First specific challenge girls, and the fifth position goes to Sareen Ashik from Srinagar. इधर देखो इधर देखो सब भाई नेक्स्ट सब गुड फॉर दो ये मैदानी करके ट्रैक खाली कर दीजिए प्लीज पिछले कर से सब नहीं है सर पहले आज के इवेंट के बारे में आज का इवेंट हम लोग आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पे आर्मड पुलिस की तरफ से हम लोग नौजवान बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए छोटे बच्चों के लिए सबके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इससे पहले जश्न दल का प्रोग्राम आपने देखा, साइकिल रेस देखा जिस और आज का ये जो प्रोग्राम रन फॉर पीस और रन फॉर यूनिटी, आज आपको पता है कि नेशनल लेवल पे यूनिटी डे भी है जहां पर हम लोग सब हर बरादरी हर भाईचारा मिलके एक दूसरे के साथ मुल्क की तरक्की और सलामियत के लिए काम करने के लिए लज लेते हैं कसम लेते हैं, वो दिन भी है आज। आज के प्रोग्राम में कुछ 700 से ज़्यादा बच्चों ने बुजुर्गों ने बच्चियों ने और सब तरह की जो कैटेगरीज में लोगों ने हिस्सा लिया, आपके सामने अभी प्राइज सेरेमनी हुई है। मैं आर्मड पुलिस को मुबारक देता हूँ ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जो विनर्स हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जी सर, अभी क्या सिचुएशन है? जैसे कि हमने देखा पिछली बार किलिंग सिचुएशन काफी अच्छी है। इस वक्त हम लोग जो जिस माहौल को देख रहे हैं इसमें लोग अमन और शांति चाहते हैं, लोग किसी भी तरह के तशद्दद के खिलाफ हैं। जहां तशद्दद की कुछ कार्रवाइयां हुई जिसको लोगों ने बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत की, उसको कंडम किया, और अभी का माहौल इस वक्त फिर से बहुत अच्छा है। और आपने देखा है जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीज़ें हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लोग तशद्दद को रद्द करते हैं कंडम करते हैं। सर क्या मैसेज रहेगा आपका उनको जिन्होंने हथियार? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ अपने समाज के खिलाफ अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुँचती है, आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें लिखें अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है कि वेपन उठाने से नहीं, कलम उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, किताब उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, अपने समाज अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करने में ही समाज की बेहतरी है, अपनी बेहतरी है। थैंक यू सर।